بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे मदूदुल फरूई का। मदूदुल फरूई का फर्स्ट पोर्शन था वो मदूद जो कि हमजा की वजह से बनती है, मदुल बदल, मद जायज मुनफसल, मद वाजिब मुत्तसल और मदुसलतुल कुबरा। अब ये सेकेंड पोर्शन है जिसमें फरूई मदूद सकून की वजह से बनती है। मद लेटर के बाद साकिन आने की वजह से इसमें दो टाइप्स हैं, एक टेम्प्रेरी सकून और एक परमानेंट सकून। अब टेम्प्रेरी सकून और परमानेंट सकून में क्या डिफरेंस है? ये होता है सकून आरिदा एंड असलिया। फॉर एग्जांपल, सिर्फ साकिन के एग्जांपल देते हैं, जैसे वर्ड है अलहमदु। अगर मैं इसको पढ़ती हूँ, स्टॉप करती हूँ इसके ऊपर और मैं कहती हूँ अलहमद, तो लाम और मीम के ऊपर जो सुकून है वो परमानेंट है। चाहे अलहमद पढ़े चाहे अलहमदुलिल्लाह पढ़े, लेकिन जो दाल को मैंने साकिन किया अलहमद, ये वाला सुकून टेम्प्ररी है। ये वाला साकिन तभी होगा जब आप दाल को साकिन करेंगे, अलहम्द। जब आप साकिन करके पढ़ेंगे तो ये वाला सुकून टेम्प्रेरी होगा, और अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो दाल अपने बम्मा के साथ पढ़ा जाएगा, यानी अलहम्दु करके। तो ये डिफरेंस होता है साकिन और यानी असली साकिन और आरबी साकिन में। अब हम देखते हैं वो मदूद जो के आरबी सकून की वजह से बनती है। ये दो हैं, मदुल आरब लिसकून और मदुल लीन। आज हम पढ़ेंगे मदुल आरब लिसकून। मद अल आरिद, सबसे पहले हम इसके नाम को देखते हैं। मद यानी स्ट्रेचिंग, खींचना। अल आरिद टेम्पररी, आरजी। लिसकून यानी आरबी सकून की वजह से खींचना। ये मद उस वक्त होती है जब आप वक्फ करते हुए लेटर को टेम्प्रेरी सुकून दे देते हैं, ठीक है। अब इस मदूद में आपने पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले जो इसकी यानी जो इसकी कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिक्सअप करते हैं, तो आपने इसको पॉइंट्स में इस तरह से लिखें कि सबसे पहले इस मद के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, वर्ड का सेकेंड लास्ट लेटर मद लेटर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट लेटर नहीं, सेकेंड लास्ट लेटर, यानी एक ऐसा वर्ड का कॉम्बिनेशन हो जिसमें सेकेंड लास्ट लेटर या तो अलिफ मदिया हो या वाव मदिया हो या मदिया हो, और लास्ट लेटर उसके बाद कोई भी हर्फ आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अल मुनाफिकीन, तो यहाँ पर आप देखें तई या मदिया आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, नून आ रहा है, यानी लास्ट लेटर नून है और सेकेंड लास्ट लेटर या मदिया है। अल काफिरून, इसमें भी लास्ट लेटर नून है और सेकंड लास्ट लेटर वाव है। इसी तरह से अलिफ के साथ भी आ सकता है। अल अहजाब, इसमें लास्ट लेटर बा है और सेकंड लास्ट लेटर अलिफ बन गया है। ये जो तीन मत यानी तीन मदूद हैं, इनमें से कोई भी वर्ड का सेकंड लास्ट लेटर होना चाहिए। अब लास्ट लेटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हर्फ आ सकता है लास्ट में, लेकिन ये लास्ट लेटर ऐसा लेटर हो जो कि साकिन करते हुए यानी जब आप इसे स्टॉप करें, वक्त करें और प्रेजेंटेड सकून दे रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेड सकून को एक्सेप्ट करे। जो लास्ट लेटर है उसको प्रेजेंटेड सकून को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? वक्त करते हुए अगर लास्ट लेटर के पास फतहा है
तो भी वो साकिन को कबूल कर लेगा। यानी अगर सिंपल फतह है अल काफिरूना, तो वो आप उसे जब साकिन करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा। अगर कसरा है उसके ऊपर तो भी वो साकिन हो जाएगा, अगर दम्मा है तो भी वो साकिन हो जाएगा, अगर दम्मा तान है तो भी वो साकिन हो जाएगा, अगर कसरा तान है तो भी वो साकिन हो जाएगा। लेकिन अगर उस लेटर के पास फतह तान है तो वो साकिन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वर्ड के लास्ट लेटर को इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो सुकून को एक्सेप्ट करे, इसको अगर सिंप्लीफाई करके हम बोले तो इसका मतलब है कि वर्ड का लास्ट लेटर फतह तान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फतह तान के केस में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम मदुल इवद करके स्टॉप करते हैं, यानी आपको अलिफ के साथ उसको पढ़ना होता है, आप उस लेटर को बिल्कुल साकिन नहीं कर सकते। तो वर्ड का लास्ट लेटर किसी भी हरकत के साथ हो मगर फतह तान के साथ हो, क्योंकि फतह तान स्टॉप में सुकून को अपने ऊपर नहीं आने देता, एक्सेप्ट नहीं करता सुकून। बाकी सारी जो हालतें हैं, हरकात हैं, वो सब सुकून को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और मुतहरिक हो यानी सुकून ना हो उसके पास, असली ना हो सुकून, आपको ही देना हो यानी वक्त की कंडीशन में, यानी या तो वो फतह के साथ हो खुद से या दम्मा के साथ, या जैसे अलहम, सॉरी इसमें तो मद लेटर नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रब्बिल आलमीना। अब यहाँ पर आप देखिए लास्ट लेटर फतह के साथ है, सेकंड लास्ट लेटर मदिया है, अब ये सिंपल फतह साकिन हो जाएगा रब्बिल आलमीन। ठीक है, इस तरह से ये दो चीजें अगर उसके पास मौजूद हैं वर्ड के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग इवन कहते हैं कफरू, अच्छा ये मदारिद हो रही है, नहीं, क्योंकि कफरू वाव मदिया तो है मगर इसके बाद कोई और लेटर नहीं आ रहा, वाव मदिया सेकेंड लास्ट लेटर होना चाहिए, इसके बाद कोई मजीद हर्फ मौजूद हो जिसके पास किसी किस्म की कोई हरकत हो सिवाय फतह तान के, और फिर जब आप उसको स्टॉप करें तो वो सुकून को एक्सेप्ट कर ले, ये मद कहलाती है मदुल आरिफ लिसुकून। इसको आप तीन तरह की लम्स के साथ पढ़ सकते हैं, टू हरकात भी पढ़ सकते हैं, फोर हरकात भी पढ़ सकते हैं, और सिक्स हरकात भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि ये आपने याद रखना है कि ये थोड़ा इस तरह से है कि जो बेसबब हमजा की लेंथ है ना वो सेम है, यानी बदल तो टू है, बदल तो चले एक डिफरेंट चीज़ होगी ना, जायज़ वाजिब सिलातुल कुबरा इन सब की फोर है या फाइव है, लेकिन जो सुकून की वजह से बनती है ना उनकी लेंथ डिफरेंट है, स्टूडेंट्स लेंथ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, अच्छा कौन सी वाली मत की कितनी लेंथ की, तो इसको आपने रिलेट करना है इनके असबाब के साथ, यानी जिस मत का सबब हमजा है वो फोर या फाइव है जैसे बदल के अलावा, और जिसका हम सुकून है उसमें से आज हम एक पढ़े हैं, आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह इसमें भी आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, क्या इसकी लेंथ है टू या फोर या सिक्स। मदारद सुकून की लेंथ होती है टू या फोर या सिक्स, फिर अगेन आपने सेम चीज करनी है कि इन तीनों में से एक लेंथ को डिसाइड करना और अपनी वन सिटिंग की रीडिंग में सेम रखना। रीडिंग आपकी रिदमेटिक होनी चाहिए, रिदम के साथ होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं आप दो हरकत करें, कहीं आप चार कर रहे हैं, आप कहीं छः कर रहे हैं, जहाँ जितना दिल कर रहा है कर रहे हैं, कभी तीन भी हो रही है कभी पांच भी हो रही है, नहीं, टू फोर सिक्स और एक सिटिंग की रीडिंग में सेम रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम टू हरकत के साथ अल फातिहा को शुरू करें तो इट हैज़ टू बी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, तो ये फिर शॉर्टेस्ट लेंथ चली जाती है। अगर हम इसे फोर के साथ पढ़े तो कैसे होता है, हम यूजली फोर के साथ पढ़े होते हैं अपनी तिलावत में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, इस तरह से ये फोर होगी। इसको सिक्स के साथ भी पढ़ा जा सकता है, सिक्स के साथ फिर आप और ज्यादा लंबा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अमूमन जो तिलावत वगैरह होती है जिसमें बहुत स्लो डाउन करके पढ़ते हैं तो वो सिक्स रखते हैं, यूजुअली सिक्स हम उस तरह से नहीं रखते अपनी आम रीडिंग के अंदर जैसे फोर रखा जाता है, या अगर आप बहुत फास्टेस्ट पढ़े हैं हदर करे हैं तो फिर स्टूडेंट्स या कुरा जो है वो टू हरकात के साथ मदार सुकून को पढ़े।
अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, यानी अगर आप सुकून नहीं करें ना, फिर तो आप दो ही पढ़ेंगे, फिर तो आप दो से ज्यादा कर ही नहीं सकते ना। सुकून आएगा तो ये फरोई मत बनेगी, अगर सुकून नहीं है तो ये तबियाई है। देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम, मीना पढ़ते हुए रब्बिल आलमीन रहमान, यानी मीना पढ़ते हुए ये बिल्कुल मत तबियाई है, क्योंकि ये अपनी सारी कंडीशंस को फॉलो करी है। ये मद लटर है, मद लटर से पहले ना हमजा है ना उसके बाद हमजा है ना उसके बाद सुकून है, ठीक है? तो ये मद तबीयी है टू, लेकिन अगर बाद में सुकून आ जाएगा तो फिर वो मद तबीयी से फरुई में चेंज हो जाएगी, फिर आप उसे टू फोर से रख सकते। जी बिल्कुल, कहीं पर भी नहीं, आयत के एंड में रुके या कहीं पर भी जब आप वक्त कर रहे हैं और आपने लास्ट लेटर को टेम्परेरी सुकून दे दिया, और उस लेटर से पहले मद लेटर मौजूद था तो वो मद आरदल सुकून ही है, फिर आप उसे टू फोर से जो आपका डिसीजन है फ्री डिसीजन उसके मुताबिक आप उसके ऊपर रुके। क्या मीन है यार, इंशाल्लाह फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीक फिर इसको आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बारकुम अल्लाह फीकुम। नहीं, ये वो सॉरी होमवर्क, मद वाजिब मुत्तसल, मद सलतुल कुबरा लास्ट कलर रह गया था ना, और मद आरद सुकून, इन तीनों की 5 5 5 एग्जांपल्स भेजना। ان سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.